नमोरियन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयुर्यानं नमो जयानं नमो भवे सर्वसहगुणं केशव पञ्चमोकारो सर्वपापणाशनं मङ्गलानं च सर्वेषु परमं भवे मङ्गलम्। पर्वाणि सन्ति प्रोक्तानि बहूनि श्रीजिना गमे पर्युषणा समं नान्य कर्म मनः मनः भेदकृत। आगामी दिनों के अंदर समस्त जैन शासन के सबसे बड़े महापर्व पर्युषणा महापर्व की शुभ शुरुआत होने जा रही है। शास्त्रों में कहा गया है जिन शासन के अंदर अनेक प्रकार के पर्व बताए गए हैं वह सभी पर्वों में से यदि कोई श्रेष्ठ पर्व है, पर्वों का यदि कोई राजा है, पर्वों का यदि कोई महाराजा है तो वह पर्युषणा महापर्व है। वो श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि पर्युषणा महापर्व के अंदर जो कर्म का क्षय हम लोग कर सकते हैं, जो कर्म को हम लोग खत्म कर सकते हैं, जो कर्म को हम लोग जड़ मूल से खलास कर सकते हैं वह हम और किसी पर्व में नहीं कर सकते। इसीलिए शास्त्रकार भगवंतों ने बताया है कि पर्युषणा महापर्व सर्वश्रेष्ठ पर्व है। तारीख 6 से जब पर्युषणा महापर्व शुरू होने जा रहा है वह पर्युषणा को पावन बनाने के लिए, वह पर्युषणा महापर्व में आपको पवित्र बनने के लिए, वह पर्युषणा महापर्व में आपको जुड़ने के लिए 5 पद की आराधना करनी होगी। सबसे पहला पद है प्रवचन का। यदि आपको पर्युषणा महापर्व आपको सक्सेस करना है, वह पर्युषणा महापर्व आपको सफल बनाना है, यदि आपको पर्युषणा महापर्व में कर्म का क्षय करना है तो सबसे पहले आपको प्रवचन में जुड़ना होगा। आप जहाँ पे भी हो, जो भी संघ में हो, जो भी संघ में आराधना करते हो वहाँ पे आपको प्रवचन में जरूर 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 जाना है। दूसरा पद है प्रतिगमन का। प्रवचन के बाद में दूसरा पद प्रतिगमन का इसलिए है क्योंकि प्रतिगमन से वह पाप धुल जाते हैं जो हमने पूरे दिन में किए हुए हैं। और इस प्रतिगमन में भी सम्मत्सरी प्रतिगमन एक ऐसा है यदि भावपूर्वक शुद्ध विधि विधान के साथ सम्मत्सरी प्रतिगमन किया जाए पूरे साल के पाप धुल सकते हैं, वह ताकत प्रतिगमन में है। उसके लिए पर्युषणा महापर्व को पावन बनाने के लिए सबसे पहला पद प्रवचन का, एक भी प्रवचन न चुके दूसरा पद प्रतिगमन में, एक भी प्रतिगमन न चुके तीसरे पद की बात करते पचखंड। पर्युषणा महापर्व के ऐसे पवित्र दिन हो और उस दिन के अंदर हम कैसे भी खाए कैसे भी पिए नहीं चलेगा। हमको पचकान के क्षेत्र में अंदर मिनिमम हो सके तो उपवास, ना हो सके तो आम्बिल, ना हो सके तो इकाशना, ना हो सके तो बियाजना, बियाजने से तो कम नहीं ही करना है। हमको कम से कम बियाजना का पचकान करना है तभी हमारे पर्युषणा महापर्व पवित्र बन पाएंगे। तीसरा पद वो पचकान का है। चौथा पद पश्चाताप का है। यदि हम पर्युषणा महापर्व में हमारी जिसके साथ वैर भाव है, हमारा जिसके साथ दुश्मनावट है, हमारी जिसके साथ लड़ाई है, हमारा जिसके साथ झगड़ा है, हमने जिसके साथ मन मुटाव करके बैठे हैं, यदि उनको हम लोग क्षमा प्रार्थना नहीं करते, यदि हम उनसे उनका पश्चाताप नहीं करते, यदि हम उनको समापना नहीं करते तो हम हमारा पर्युषण को सक्सेस नहीं बना सकते, हम हमारे पर्युषण को सफल नहीं बना सकते। इसीलिए चौथा पद पश्चाताप का है और पांचवा और अंतिम पद औषध व्रत का है। शास्त्रों के अंदर औषध का महत्व अति उत्तम बताया गया है। श्रावक को हर पर्व तिथि के दिन औषध करना चाहिए लेकिन यदि वो नहीं कर सकता है तो कम से कम पर्युषणा के 8 दिन तो 64 प्रहरी औषध करना चाहिए और यदि वो भी नहीं हो सकता है तो मिनिमम संवत्सरी के दिन तो औषध करना करना और करना ही चाहिए, तभी तुम्हारा श्रावक जीवन बना रहेगा, तभी तुम्हारा व्रत बना रहेगा। व्रत की महत्ता शास्त्रकार भगवंतों ने बहुत बताई है। इसीलिए यदि आपके पर्युषणा महापर्व को आप सफल बनाना चाहते हैं, पर्युषणा महापर्व को सक्सेस बनाना चाहते हैं तो ये 5 पद को जीवन के अंदर बराबर उतार ले, ये 5 पद की आराधना बराबर कर ले। सबसे पहले नंबर में प्रवचन, एक भी प्रवचन न चुके, दूसरे नंबर में प्रतिगमन, एक भी प्रतिगमन न चुके, तीसरे नंबर में पचकान, मिनिमम व्याजना पचकान करे, चौथे नंबर के अंदर पश्चाताप, जिसके भी साथ मन मुटाव है, जिसके भी साथ लड़ाई है, जिसके भी साथ झगड़े हैं सबको जाके क्षमा प्रार्थना करे, और पांचवें नंबर के अंदर औषध, मिनिमम संवत्सरी के दिन औषध की आराधना करे, यही 5 व्रत करे और जीवन के अंदर पर्युषणा महापर्व को उतारे, हकीकत में उनका अर्थ समझने की कोशिश करे और पर्युषणा महापर्व को सफल बनाए। यही आचार्य भगवत तपागच्छाधिपति प्रेम सुरेश्वर जी महाराजा और आचार्य भगवत कुलचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के अंतर के खूब खूब सभी को आशीर्वाद।